उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हिरणमगरी थाना पुलिस टीम के साथ बदसलूकी और मारपीट की गई है। एक वारंटी को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम और थानाधिकारी हनुवंत सिंह सहित पुलिस टीम से बदसलूकी की गई है। पुलिस ने राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कर लिया है और 5 से ज्यादा महिलाओं और अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि शर्मा जुड़े हुए। रवि, फिलहाल क्या स्थिति वहां? जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल जो पुलिस है वो जो राजकार्य में जिनको गिरफ्तार किया उनसे पूछताछ कर रही है, और इसके अलावा कुछ और लोग भी जो हैं, क्योंकि पूरी भीड़ थी, तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोग थे। और ये जो इलाके का एक वारंटी है हरदीप सिंह, इसको गिरफ्तार करने के लिए, इससे पूछताछ को लाने के लिए, पूछताछ करने के लिए, इसको थाने लाने के लिए पुलिस की टीम गई हुई थी, और ये अल तड़के की घटना है। और ऐसे में पुलिस ने जो है जब इसको लाने की कोशिश की तो महिलाओं को ढाल बनाकर जो है, ये जो वारंटी है, इसके परिवारजनों ने महिलाओं को ढाल बनाकर और उसको बचाने की और छुड़ाने की कोशिश की। और ऐसे में पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस के खुद थाना अधिकारी जो हैं, थाने के हिरणमगरी थाने के हनुमंत सिंह, वो खुद मौके पर मौजूद थे और उन्होंने समझाइश की। लेकिन जब मामला बेहद ज्यादा बढ़ गया, गंभीर होता गया मामला, तो उन्होंने हल्का सा बल प्रयोग भी किया और उसके बाद जो आरोपी है, वारंटी जो है, उसको थाने लेके आया। और उसके अलावा जिन लोगों ने राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की है उन लोगों को भी गिरफ्तार किया, और अन्य जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जो है पुलिस फिलहाल कर रही है। लेकिन ये बड़ा मामला है क्योंकि पुलिस की टीम पर इस तरीके से एक तरीके से हमला किया गया है, मारपीट की गई है कुछ थाना अधिकारी के साथ में और उनके जो जवान थे उनके साथ में। चलिए, शुक्रिया आपका रवि इस जानकारी के लिए। तो हिरणमगरी थाना पुलिस के साथ ही मारपीट की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल यहां पुलिस एक वारंटी को पकड़ने के लिए गई थी, लेकिन अचानक से ये इतने सारे लोग बड़ी संख्या में आ पहुंचे और उन्होंने पुलिस के साथ ही बदसलूकी शुरू कर दी। हालांकि राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है और इसके साथ ही कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है।